टू विधि माइंस टेक्नोलॉजीज। आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की, एंटरप्रेन्योरशिप की, रिसर्च की, हॉबीज की और इंटरेस्ट की। तो आखिर मेक इन इंडिया ही क्यों? प्रोडक्ट्स तो विदेशों में भी बनाए जा रहे हैं, डेवलप्ड नेशंस तो ऑलरेडी है, तो फिर हम इतना क्यों सोच रहे हैं? हम भी तो वहां जा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने बच्चों को भी तो यही बोलते हैं ना हम, टीचर्स, पेरेंट्स, पड़ोसी सब तो यही कहते हैं, पढ़ो लिखो अच्छे से ताकि विदेश जा सको। आखिर इसमें बुराई क्या है? लेकिन कोरोना वायरस ने हम सबको एक सबक तो जरूर दे दिया है। भारत के लोग आज भी विदेशों में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें वापस कब आना पड़ जाए या फ्लाइट की सुविधा कब बंद हो जाए। कहीं उनकी कंपनियों ने ऐसा ना कह दे कि आज उनका लास्ट वर्किंग डे है। सैलरी तो अच्छी मिलती है वहाँ, लेकिन ये कोई नहीं बताता आपको कि वहाँ पे रेंट कितना ज्यादा है, लिविंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है। IIT करके बाहर चले जाओ, लेकिन वहाँ पे जो लिविंग इश्यूज है उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं कि सबको अपने अपने देशों में ही रुक जाना चाहिए। चाइना से भी लाखों लोग अमेरिका जाते हैं, और भी ऐसे कई देश हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 90% से ज्यादा लोग अपने ही देश में रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तभी उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी पहले ऐसे ही हालात थे। अगर वहाँ के हालातों को किसी ने बदला है तो वहाँ के लोगों ने। इंडिया के लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक टेढ़ी खीर है, लेकिन आप क्या सिलेक्ट करेंगे, रोज मेहनत करना या फिर कुछ टाइम तक मेहनत करके बाद में एंजॉय करना? ऑब्वियसली ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि पहले कुछ सालों तक बहुत मेहनत कर लेते हैं, बाद में अपना कुछ बनाया जाएगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। आखिर सचिन तेंदुलकर को हम इंजीनियर नहीं बना सकते थे, या फिर अब्दुल कलाम को हम लता मंगेशकर नहीं बना सकते थे। तो फिर परेशानी कहाँ है? क्यों हमारे देश के लोग रिसर्च नहीं करते, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं बनाते? फेसबुक, अमेजोन, व्हाट्सएप, रोबोट्स, रॉकेट्स, टॉयज, ये सारे प्रोडक्ट्स भी तो विदेशी हैं। तो क्या हमें ये सब बनाने से कोई रोक रहा है? हाँ, हमारा थिंकिंग प्रोसेस और हमारी सोसाइटी जो हमें कहती है भेड़ों के साथ चलो। इलॉन मस्क और अलीबाबा हमारे देश में बनने इतने मुश्किल क्यों है? फिर वही हमारी थिंकिंग आ जाती है जो हमें ना ही हमारे कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने देती है और ना ही हमें कुछ नया सोचने देती है। तो जैसे धज्जियां उड़ जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना, जापान, जर्मनी, US ये सारे देश अगर आगे हैं तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है, ये सारे देश ओलंपिक्स में भी आगे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप रिसर्च करें या बहुत ज्यादा पढ़ाई करें। अगर आप किसी को स्विमिंग कोचिंग दे रहे हैं तो वो भी एक तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप ही है। अब आप कहेंगे कि UAE इज लकी क्योंकि वहाँ पे ऑयल ज्यादा है। ऑयल तो सिर्फ एक कारण है, जापान में तो ऑयल नहीं है, फिर भी वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों इतनी ज्यादा है? हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में क्यों ये नहीं बताया जाता कि एंटरप्रेन्योरशिप भी जरूरी है? हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिससे हमें ये पता चला कि चाइना ने पिछले साल 15 लाख पेटेंट्स फाइल किए जिसमें से 4 लाख अप्रूव भी हुए। वो लोग भी तो अमेरिका के रिसर्च पर काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको रिसर्च और पेटेंट्स पे ही काम करना चाहिए, कुछ लोग अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को भी परस्यू कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि रिसर्च और पेटेंट्स में तो बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं है, जॉब करने में भी तो मेहनत है। आपको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको काम तो करना ही पड़ता है। एक चीज तो साफ हो गई है कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को पैसा नहीं रोक रहा है, बल्कि इनोवेशन की कमी और हमारे अंदर जो सोसाइटी का प्रेशर है वो रोक रही है। और अगर जल्दी इस पर काबू नहीं पाया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप सब जानते ही हैं, जो कि एक विदेशी कंपनी थी। हमें अपने टीचर्स को, बच्चों को, दोस्तों को, सबको यही समझाना होगा कि इसे स्कूल से ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, आप एंटरप्रेन्योरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़िए और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सभी परेशानियों का जवाब देंगे। शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन।